और दोस्तों आप सब लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 20I का क्वेश्चन नंबर 10 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तक देखते थे, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो का जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कहां से ड्रॉ किया गया है -2, 3 से टू दी लाइन x -4y+7=0। एक लाइन है x -4y+7=0, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया जो कहां से जा रहा है P -2, 3 से। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और हम लोग बताना है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो यहाँ पर समझिए पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक लाइन हम लोग पहले बना लेते हैं, एक लाइन है AB जिसका इक्वेशन हम लोग दिया गया x -4y+7=0। इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया P का, ये दिया गया -2, 3 दिया गया है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन का हम लोग को इक्वेशन निकालना है, ओके। और साथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हो गया जो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये मान लीजिए सब डी, ये x, y, इसका वैल्यू हम लोग निकालने के लिए ये क्वेश्चन है कि एक लाइन है इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है -2, 3 से, उस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताने के लिए कह रहा है और साथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट करना निकालने के लिए। तो दोस्तों कि लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को या तो दो को पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए या वन पॉइंट वन स्लोप पता होना चाहिए। तो वन पॉइंट तो हम लोग को पता है, साथ में यहाँ पे दिया गया कि ये लाइन जो है इस पे क्या परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का यदि स्लोप हम लोग निकाल लेंगे तो उसे हम लोग पीडी का भी स्लोप हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पीडी का स्लोप निकल जाएगा। जब पीडी का स्लोप निकल जाएगा तो वहां से हम लोगों को उसका इक्वेशन निकल जाएगा, और जब इक्वेशन निकल जाएगा तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिससे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम लोग कर लेंगे तो वहां से फोटो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये दोस्तों हम लोगों को मेन काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब उस पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। गिवन इक्वेशन तो देखिए यहाँ पे है x -4y+7=0। तो इक्वेशन के फॉर्म इक्वेशन हम लोग दिया है, तो यहाँ स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं y = mx + c के फॉर्म में, ओके। जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो देखिए -4y को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि y तो प्लस में चाहिए। देखिए ये x + 7 = क्या हो जाएगा 4y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4y = x + 7, इसको लेफ्ट में लिख दिए, इसको राइट में लिख दिए। अब यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, ये y = हो जाएगा x + 7/4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ऊपर में दो टर्म नीचे में सिंगल टर्म, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो y = ये हो जाएगा x/4 + 7/4। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y = ये 1/4 × x + 7/4। तो देखिए जो x का कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ पे देखिए पहला लाइन ये लाइन है, इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट m1 मान लेते हैं, ये स्लोप m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप मानते हैं m2 मान लेते हैं, लिखेंगे स्लोप। देखिए देयरफॉर स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप क्या माने, m1 माने हैं, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, ओके। m1 का वैल्यू कितना हो गया 1/4। अब हम लिखेंगे सिंस लाइन PD परपेंडिकुलर टू AB, देखिए PD लाइन परपेंडिकुलर टू क्या है AB है, तो क्या हो जाएगा m स्लोप प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू कितना -1। तो PD का स्लोप क्या है m2, AB का स्लोप क्या लेट किया m1 इक्वल टू कितना -1। m2 का स्लोप दोनों फाइंड ही करना है इंटू m1 का वैल्यू कितना है 1/4 = -1। अब यहां से देखिए m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा m2/4 = -1।
यहाँ से m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा m2 इक्वल टू हो जाएगा -4। ओके, अब देखिए इसका स्लोप हम लोग को निकल गया है कितना, -4। m2 का स्लोप कितना निकल गया, -4। अब देखिए हम लोग PD का इक्वेशन निकालना था, हम लोगों को स्लोप स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफोर इक्वेशन ऑफ लाइन PD। जब हम लोग एक लाइन और एक स्लोप रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे लाइन का इक्वेशन का, y-y1 इक्वल टू m टाइम्स x-x1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा y-y1। देखिए y1 क्या हो जाएगा, देखिए x1 और ये y1, तो y1 का वैल्यू कितना, 3 इक्वल टू m -4 x-x1। x1 का वैल्यू कितना है, -2। x1 का वैल्यू हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे ताकि साइन चेंज होगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा y-3 इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 टाइम्स एक्स, -- हो जाएगा +2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा y-3 इक्वल टू, ये हो जाएगा -4x और ये -+ हो जाएगा -8। ओके, देखिए x वाले को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में लाएंगे, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा y-3, ये हो जाएगा +4x और ये हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को ये 4x, x वाले को पर लिखिए, ये +y, 4x +y और 8 में 3 जाएगा तो ये +5 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, क्या मिला, 4x +y +5 इक्वल टू 0। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x +y इक्वल टू -5 भी लिख सकते हैं। तो आप लिख देते हैं इस इक्वेशन को 4x +y +5 इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन का इक्वेशन हो गया हम लोगों को 4x +y +5 इक्वल टू 0। तो यही काम करना था हम लोगों को, इस लाइन का इक्वेशन निकालना था। ओके, साथ में हम लोगों को निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्या करें, इस लाइन और इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहां से हम लोगों को जो x और y का वैल्यू मिल गया वही क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए इससे आगे इक्वेशन ऑफ PD हम लोग को मिला है कितना, 4x + y + 5 = 0 और इक्वेशन ऑफ AB दिया गया x - 4y + 7 = 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x + y = हो जाएगा -5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा x - 4y = -7 इक्वेशन 2। अब यहां पे देखिए x या y को हम लोग क्या करें, एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड। x का ऑप्शन यहाँ 4 है और यहाँ x का ऑप्शन नहीं कुछ है, यहाँ 1 है, इसको हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, आप किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 4x + y इक्वल टू -5। 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x -4y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 16y इक्वल टू 4 इंटू -7 हो जाएगा -28। इस 4 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए उसका साइन सेम है, प्लस प्लस है, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा +4x और -4x। अब देखिए बीच वाला साइन हाइड हो जाता है तो 16y और +y ये हो जाएगा 17y इक्वल टू, और देखिए 28 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 23 अपॉन में 17। अब इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 23 अपॉन में 17 इन इक्वेशन 1, वी गेट देखिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को 4x + y, 4x + y इक्वल टू -5। यहाँ पुट कर दीजिए y का जगह 23 अपॉन 17 ये हो जाएगा 4x एज इट इज प्लस 23 अपॉन में 17 इक्वल टू -5। नेक्स्ट सिस्टम इसको उधर साइड राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, 4x इक्वल टू -5
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 23 अपॉन में 17, ओके, प्लस 23 अपॉन 17 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 23 अपॉन 17 हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 17 इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 1 टेबल 17, 17 टाइम्स में 17 5 जो है 85 माइनस, और ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस का साइन एजिटिव 17 टेबल 71 टाइम्स में ये होगा 23। आगे देखिए आगे यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4x इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस साइन आएगा माइनस का, ये जाएगा 538 और ये हो जाएगा 11 सॉरी 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 और 8 और 2 कितना हो 10 हो जाएगा माइनस 108 अपॉन में 17। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इसके अपॉन में आ जाएगा माइनस 108 अपॉन में 17 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 41 जा 42 जा और 47 जा हो जाएगा माइनस 27 अपॉन में 17। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 27 अपॉन में 17। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर देयरफोर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या हम लेट किए थे, ये था d x कॉमा जी वाई, डी एक्स कॉमा वाई था, वैल्यू पुट कर दे डी एक्स, एक्स का वैल्यू कितना माइनस 27 अपॉन में 17 कॉमा वाई का वैल्यू कितना 23 अपॉन में 17। ठीक है दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस 27 कॉमा 17 कॉमा 23 अपॉन 17। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ में आ गया।